बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज़रूरी जो हमारी डेली पेरेंटिंग का हिस्सा जो है वो है बच्चों की अप्रिसिएशन, बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना, बच्चों को अपलॉड करना, बच्चों को कौन सी चीज़ों पे रिवॉर्ड किया जाता है। और हमें लगता है कि भाई हर चीज़ पे किया जाता है, वी नेवर रियली थिंक अबाउट इट। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम एक ऐसा एक अनकॉन्शियस पेरेंटिंग का हिस्सा बन चुके हुए हैं। हम एक ऑटो मोड में इतना ज़्यादा चल रहे होते हैं कि हम कभी सोचते भी नहीं है कि हम किन चीज़ों पर बच्चों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको साइकोलॉजिकली ये बात बताऊँ, बहुत ज़रूरी बात है, अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि जिन बातों पे आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन बातों पे आप उनको अपलॉड कर रहे हैं, जिन बातों पे आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी भर का वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। तो आप सोचेंगे कि मैंने किन किन चीज़ों पे वाकई में इसको किया था। और बाद में जाके जब आपने देखना शुरू किया, बच्चा टीनेजर बन गया, बच्चा एडल्ट बनना शुरू हो गया, तो उनकी वैल्यूज़ क्या बनती हैं, तो अब आपको भी अंदाज़ा होएगा कि अच्छा आपने किस टाइम पर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया था। फॉर इंस्टेंस, एक जो बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमन है, हो सकता है कि ऑल अराउंड भी हो, लेकिन ऑब्वियसली एक मेरी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सोसाइटी की होती है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन जो है एकेडमिक अचीवमेंट्स, उन पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। बच्चे का ए आ गया, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए, बच्चों को बहुत अप्रिशिएट किया, रिवॉर्ड किया गया, ये दिया वो दिया, गिफ्ट्स दिए गए, सारी खानदान जो बल्कि है वो अप्रिसिएशन लेकर आता है। बट डू वी रियलाइज कि इसका क्या मतलब है या इसका क्या असर है बच्चे पे? क्या होएगा? बच्चे ने सोच लिया अब वो नीड है। अप्रिसिएशन एक वाइटल ह्यूमन नीड है, इसके बगैर कोई इंसान नहीं रह सकता। स्पेशली औरतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनकी बायोलॉजिकल नीड है। आदमियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उनकी अचीवमेंट के साथ ये लिंक करती है। तो बहुत बड़ी नीड है, सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के हिसाब से बहुत नीड है, अपनी वर्थ को जानने के हिसाब से बहुत बड़ी नीड है। अब एक इंसान वर्दी फील करना चाहता है, वो उन चीज़ों पे वर्दी फील करेगा जो कि लोगों ने उसको फील कर, स्पेशली पेरेंट्स ने जब छोटे थे, जब वो अपना डेवलप कर रहे थे वर्ल्ड व्यू, तब उनको जिस चीज़ पे अप्रिशिएट किया गया, जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया। अब अगर मार्क्स पे किया गया, उन्होंने दे विल बाय हुक और बाय क्रुक मेक श्योर कि उनके मार्क्स अच्छे आ जाएं। फिर हम सोचते हैं बच्चे चीटिंग क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, क्या क्या तरीके से और बड़े मास्टरमाइंड तरीक़ों से वो पेपर्स में निकलवा लेंगे, उनकी क्या क्या शॉर्टकट्स निभाएंगे टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड ग्रेड्स। व्हाई? एट द एंड ऑफ द डे फॉर द अप्रिसिएशन, उनको होता है माँ बाप के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बट डू वी अप्रिशिएट आर चिल्ड्रन जब वो सच बोलता है? डू वी अप्रिशिएट आर चिल्ड्रन जब वो हार्डवर्क करता है? डू वी अप्रिशिएट आर चिल्ड्रन जब वो कंपैशन शो करता है? डू वी अप्रिशिएट आर चिल्ड्रन जब वो किसी की जाके मदद करता है? ये चीज़ें जिन पे वाकई में जो पर्सनैलिटी, जो बाद में जाके हम लंबी लिस्ट ले आते हैं कंप्लेंट्स की कि मेरा बच्चा जो है वो कंपैशनेट नहीं है, एम्पथी उसमें नहीं है, लोगों की मदद नहीं करता, लोगों का ध्यान नहीं करता, सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, डिसीटफुल है, ऐसे करता है, बात करने की उसको तमीज़ नहीं है, बड़ों का लिहाज नहीं है, घर में उसको घर गृहस्थी नहीं आती बच्ची को या लड़के को भी, किसी ना किसी तरीके से स्किल्स नहीं है उसके पास जो कि दुनिया या अच्छी ज़िंदगी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उन पर अप्रिशिएट किया था उसको? सवाल तो ये उठता है एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स पे बात आएगी कि पेरेंट्स ने किस चीज़ पे फोकस किया था। अगर हम एज अपोज टू बच्चों के ग्रेड्स अच्छे आए हैं, उसको किस तरीके से मोल्ड करें, किस तरीके से अप्रिशिएट करें? यू वर्कड हार्ड। सो इट्स नॉट के आपके ए आ रहा है एट द एंड ऑफ द डे या नहीं, मेहनत की थी बस, विषय के बी आए, सी आए, डी आए, फेल हो, यार तुमने मेहनत की थी या नहीं, दैट इज गोइंग टू डिटर्मिन माई अप्रिसिएशन, माई हैप्पीनेस, योर रिवॉर्ड। तो बच्चों को अगर इस तरीके से हम दिखाना शुरू कर दें दुनिया, जिस तरीके से हमें आई विश कि हमने भी देखी होती, आई विश कि हमारे जो माँ बाप हैं उन लोगों ने इन चीज़ों को पहले से रियलाइज़ किया था, ताकि हम अपने बच्चों को ऐसे बर्बाद ना करते जिस तरीके से हमने कर दिया। एक और अप्रिसिएशन जो बहुत ज़्यादा सोशल एक्सेप्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी रिसेंटली इस पर लिखा हुआ भी था, हाउ यू लुक। सो व्हेन यू मीट चिल्ड्रन द फर्स्ट थिंग इज़ लाइक, ओ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा, वेल ड्रेस्ड है, बड़ा गुड लुकिंग है, इन चीज़ों पर अप्रिशिएट किया जाएगा। पूरी सोसाइटी जो है इसके पीछे भाग रही है, पूरी सोसाइटी जो है ये ऑब्सेस हुई हुई है, एडिक्ट बन चुकी हुई है सोशल एक्सेप्टेंस की। क्यों? क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपने कहा हाय अच्छा तैयार होना है, हाय अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा कितना क्यूट है, आप विषय की बदतमीज तरीन बच्चा हो, लेकिन क्योंकि हाय बड़ा क्यूट है उस पर अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस पर बार बार उसको अपलॉड किया जा रहा है, बार बार उसको प्यार किया जा रहा है, बार बार उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है ऑन हिज क्यूटनेस और द वे दैट ही इज़ ड्रेस्ड अप। विषय की उसने ब्रांड्स पहने हुए हैं, साफ़ सुथरे अच्छे कपड़े, ठीक है साफ़ सुथरा, अगेन क्लीनलीनेस इज़ अ ट्रेट दैट कैन बी अप्रिशिएटेड, लेकिन कपड़े जो उसने पहने हुए ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे या तो उसने खुद से चुने हो, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड अप्रिशिएट। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो ऑफ द शेल्फ ली हुई है, उसमें उसकी क्या बड़ी बात है,
तो उन चीज़ों को इतना हाईलाइट नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए. सिमिलरली विथ फिजिकल अपेयरेंस, इस पर हाईलाइट नहीं करना चाहिए अनलेस इट्स समथिंग जो उसने खुद से मेहनत से कुछ किया है, मेहनत से अपना ड्रेस बनाया है, वाओ अमेजिंग क्रिएटिविटी पे उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें. प्लीज़ सोच समझ के बच्चों को वो उन चीज़ों पर अपलोड करें और बिल्कुल भी वो चीज़ें इग्नोर ना करें जो कि अक्सर अवकात हम कर देते हैं. बच्चा कोई भी काम करेगा, आपने कोई ऐसी चीज़ मांगी, उसने आपको पकड़ा दी, थैंक यू, दैट इज़ ग्रेट, वंडरफुल, आई एम सो हैप्पी. इन चीज़ों पे आप उनको अप्रिशिएट करें, इन चीज़ों पे उनको अपलोड करें. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ वो करता है जो कि उसकी कोई इतनी बड़ाई नहीं है, जो कि सोशल जो हमारी सोसाइटी है, जो जनरली सोशल एक्सेप्टेंस के लिए आप लोग तरसते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड और एम्प्लीफाइड तरीके से प्रेजेंट की गई है, उनको इतना हाईलाइट ना करें, नहीं तो आपको नज़र आ रहा है कि लोग उस एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या करने को तैयार हैं. हर चीज़ छोड़ देते हैं, अपना दीन छोड़ दिया, अपनी इज्जत छोड़ दी उन्होंने, हर चीज़ छोड़ दी. यहाँ तक कि आपको पता है रिसेंटली तो इतनी ज़्यादा यहाँ ऐसी स्टोरीज़ भी आ रही होती हैं कि लोगों ने किस एक्सटेंट पर चले गए वो एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए. तो अगर आप वो चाहते हैं टू मेक देम फील गुड, टू मेक देम फील वैल्यूड, एट द एंड ऑफ द टू गिव देम एन आइडेंटिटी दैट यू विल बी प्राउड ऑफ एंड दे विल बी प्राउड ऑफ, तो सही बातों पे बच्चों को अप्रिशिएट करें ताकि वो उनके वैल्यू सिस्टम का हिस्सा बने. ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, हेल्पिंग पीपल, कंपैशन, एम्पथी, नोइंग राइट एंड रॉन्ग, मोरालिटी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, देयर सो मेनी थिंग्स जिन पर आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो चीज़ें वाकई में मैटर करती हैं. Thank you.